Hello everyone, welcome back. My name is Raman Sharma and you're watching my YouTube channel Ghumakkad. As you guys have already read the title, let's see what will happen. ई लियो, ये हो गया कांड। बुआ आ रहा हूँ मैं सबसे पहले आप ही के पास। लगभग 1 या फिर 2 डिग्री टेम्परेचर है, ठंडी है। हुआ यूँ कि मैं यूरोप की अपनी फ़्लाइट देख रहा था, क्योंकि मेरा यूरोप जाने का प्लान था। और जब मैं टिकट देख रहा था बैठ के, तब मेरी मम्मी की वीडियो कॉल आई, मैंने अटेंड करी, थोड़ी देर बाद करी 5-7 मिनट। उस फ़ोन कटने के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं लंदन टू यूरोप की जगह बल्कि लंदन टू दिल्ली देखने लग गया। मैंने फ़्लाइट भी बुक कर दी, ठीक है, हफ्ते पहले की बात है। ऊपर से फिर अपनी दोस्त को फ़ोन करा मैंने, मैंने कहा देख ऐसा है, हम लोग यूरोप नहीं जा रहे हैं इस बार, फिर कभी चलेंगे, अभी मुझे घर जाना है। लाइक यार एक डेढ़ साल हो गया मैंने अपना घर ही नहीं देखा, तो इसी बहाने घर जाते हैं। किसी को भी नहीं पता मैं आ रहा हूँ, सिर्फ अंकुश को पता और मेरे बड़े भाई को पता है, बाकी को किसी को नहीं पता। घर वालों को तो ये लग रहा है कि लड़का भाई यूरोप जा रहा हमारा घूमने। ये टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिला शॉपिंग वगैरह करने का, बिल्कुल भी। दुनिया की सारी दिक्कत मेरे साथ ही पता नहीं क्यों होती है। सब लोग अपने अपने बैगेज जो है भेज रहे थे, मेरी बारी में बैगेज ही फंस गया, पता नहीं क्या। असिस्टेंट को बुलाया, उन्होंने मैनुअली करा फिर जा करके, कह रहे क्या है आपके बैग में ऐसा, मैं कहा खोल के देख लो ज़्यादा है तो। दिल्ली आ चुके हैं, अब बस यहाँ से अपने बैगेज लेंगे, बैगेज लेके डायरेक्ट घर निकलना चंडीगढ़। बैग ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो गया। ओह आ जा यार, कहाँ रह गए बैग, बोला था ना कुछ उल्टा सीधा तो होता रहता है, साले दोनों बैग ही नहीं आए। पता नहीं अब कंप्लेंट होगी, कह रहे कि 2 दिन के अंदर आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगे बैग। गुस्सा तो इतना आ रहा ना, पता नहीं साले सारे के सारे पुट्ठे सीधे काम मेरे साथ ही पता नहीं क्यों होते हैं, मेरे ही मत्थे क्यों मड़ते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती है। साले इतने खतरनाक हैं ना ये बीए वाले, आई मीन ब्रिटिश एयरवेज वाले। मैं घर पे शाम को पहुंचूंगा, कह रहे आपके पहुंचने से पहले आपके बैग पहुंच जाएंगे आपके घर पे। सरप्राइज देने आया था घर वालों को, एयरलाइंस वालों ने धप्पा कर दिया। वैसे मज़ा तो बहुत आ रहा है, बैग पहुंच जाएंगे, मुझे भरोसा है इन लोगों पे, थोड़ी सी बजाई है ना मैंने तो पहुंचा देंगे। चलो भाई घर चलते हैं। एक अभी मेरी दोस्त का फ़ोन आया, उसकी फ़्लाइट है, एयर होस्टेस है वो, एक्चुअली हमारे मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी, तो उससे मिल के घर जाता हूँ। तो ये है वो मेरी दोस्त जो मिलना चाहती है। कैसी है तू? कैसे है? शिफ्ट कितने बजे शिफ्ट तेरी? ये हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, तुझे कोई इशू तो नहीं है ना? क्या मुझे तो ये भी नहीं पता था मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता था। तो अभी विस्तारा वालों की कॉल आई और उन्होंने बोला कि सर आपके चंडीगढ़ बैग पहुंच चुके हैं। मैंने कहा यार मैं पहुंचा नहीं, मेरे बैग पहले पहुंच गए। बट एक चीज़ बहुत मायने रखती है यार कि टाइम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दोबारा आपको टाइम दे। टाइम बहुत मायने रखता है, टाइम मत लगाइए किसी भी चीज़ में, वरना टाइम उसी में निकल जाएगा।
क्या हाल है? तुम सुन ही नहीं रहे मैं क्या करूँ। अच्छा ऐसा है, 5 मिनट में घर आ रहा हूँ मैं, ठीक है? सच्ची बोल रहा हूँ, झूठी नहीं बोल रहा, ठीक है? 5 मिनट में घर आ रहा हूँ। मैं मजाक थोड़ी, ये साले स्पेशली बाइक्स पे आए हैं सारे के सारे, जितने भी ये निकलते हैं कह रहे कि तू गाड़ी में तो घूमता है, बाइक पे आ, साल बाद बाइक पे। नोट करो ये, उसका रिएक्शन नोट करो। कदे सूरज वांगू तपदा, सूरज वांगू तपदा, कदे शांत सवेरे वरगाया। मां मैनू लगदा रहिंदा मैं जवां तेरे वरगाया, मां मैनू लगदा रहिंदा मैं जवां तेरे वरगाया। कई बारी बापू वांगू दुनिया ते हरख जाया जांदा, पर हर बारी मां तेरे वांगू तरस जाया जांदा। कई कहंदे आहा चेहरा, कई दे आहा चेहरा जवां तेरे चेहरे वरगाया, मां मैनू लगदा रहिंदा मैं जवां तेरे वरगाया। सिद्धे सप्पा पुछे पत्त पाई है, उतरी गई है महले दा।